नमस्ते बच्चों, मेरा नाम है संगीता टीचर और आज मैं आपको व्याकरण विभाग पढ़ाने वाली हूँ। पहली और दूसरी कक्षा के बच्चों के लिए आज मैं आपको व्याकरण पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है। तो व्याकरण में हमने इसके पहले हमारे फर्स्ट टर्म में देखा था कि नाउन क्या होता है, मतलब संज्ञा किसे कहा जाता है। इसके बाद नाम की जगह पर आने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है। अगर आप दूसरी कक्षा में तो आपने ये पढ़ा है। तो आज मैं आपको वैसे ही एक बहुत ही अच्छा क्या है, भाग है या हिस्सा है, जिसका नाम है हमारा जो कार्यपत्रक 9 होगा। अगर आप दूसरी कक्षा में है तो कार्यपत्रक 9 है आपको, कैसा और कितना, विशेषण इसे कहा जाता है। और कार्यपत्रक 11 आपको पहली कक्षा के लिए है। तो बच्चों, पहली से लेकर आपको 10वीं तक क्या है, विशेषण मतलब कैसा और कितना, ये आपको आता ही है बच्चों। तो आज मैं आपको बहुत ही अच्छा कार्यपत्रक 9 या 11 है, जिसका नाम है कैसा और कितना, यह आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है। तो कैसा और कितना, यह हम जब सवाल पूछते हैं ना तो इसका जवाब हमें मिलता है कि कैसा और कितना, मतलब दो सवाल हम पूछेंगे ना तो आपको जवाब मिल जाता है। तो कौन से सवाल कैसे पूछते हैं, देखिए यहाँ पे मैंने प्रश्न लिखे। उदाहरण के लिए देखिए, कुत्ता कैसा जानवर है, कैसा जानवर है कुत्ता, तो कुत्ता पालतू जानवर है, ठीक है। इसके बाद अगर पूछा गया कि बाघ कैसा जानवर है, तो आप कहेंगे वो तो जंगल में रहता है ना, तो बाघ जंगली जानवर है। तो कैसा, ऐसा हम सवाल पूछते हैं तब हमें जवाब मिलता है ना, तो उसे क्या कहा जाता है, विशेषण कहा जाता है। आपके पास आइसक्रीम है, सबको अच्छी लगती है ना आइसक्रीम खाना, तो हम अगर आइसक्रीम से पूछेंगे कैसी आइसक्रीम है, तो क्या जवाब मिलता है हमें, ठंडी आइसक्रीम। आइसक्रीम कैसे होती है, ठंडी होती है ना, या गर्मा गर्म होती है, नहीं। पकोड़े, पकोड़े कैसे हैं, तो आप कहते हैं कि गर्मा गर्म है। जलेबियाँ कैसी हैं, गर्मा गर्म है। ये इसका क्या होता है, विशेषण होता है ना, मतलब कैसा और कितना, ये हम जैसे सवाल पूछते हैं इसे क्या कहते हैं बच्चों, विशेषण कहा जाता है। तो हमें जानकारी मिलती है ना, विशेष जानकारी होती है ना, पकोड़े गर्मा गर्म, जलेबियाँ गर्मा गर्म होती है, आइसक्रीम ठंडी होती है। करेला कैसा होता है, मीठा होता है ना, नहीं, तो करेला कड़वा होता है। तो ये करेले की क्या है, विशेषता है ना। तो विशेषण मतलब क्या कहा जाता है आपको, पहली और दूसरी के लिए कहा जाता है। कैसा और कितना मतलब क्या होता है, कैसा और कितना का अर्थ ही क्या है, विशेषण होता है। आपको विशेष जानकारी मिलती है ना उसके बारे में, तो एक खाद आइसक्रीम के बारे में जानकारी मिल गई आपको, करेले के बारे में जानकारी मिल गई, तो आप जब कैसा ऐसा सवाल पूछते हैं ना तो आपको आंसर मिलता है ना, जवाब मिलता है, तो इसे क्या कहा जाता है, विशेषण कहा जाता है। तो यहाँ पे मैंने पहला आपको उदाहरण बताया, कुत्ता कैसा जानवर है, तो कुत्ता पालतू जानवर है। इसके बाद मैंने और एक आपको पूछा कि बाघ कैसा जानवर है, तो आप कहेंगे बाघ तो जंगली जानवर है। तो ये इसकी विशेषता है ना, ये विशेषण है ना, पालतू जानवर होना या जंगली जानवर होना, तो ये उसकी विशेषता होती है ना। मतलब कैसा और कितना, ये क्या है, विशेषण होते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है, विशेषण वाले शब्द कहा जाता है। अगर हम कैसा और कितना ऐसा करके सवाल पूछेंगे ना तो उनके जो जवाब मिलते हैं ना उन्हें क्या कहा जाता है, विशेषण कहा जाता है। आप और भी उदाहरण के लिए देखिए, यहाँ पे रामू कैसा लड़का है, रामू कैसा लड़का है, तो उदाहरण तो मतलब उसके जवाब तो अलग अलग आएंगे कि रामू जो है ना, पहला आएगा बहादुर लड़का है, रामू बहादुर लड़का है। तो कोई बताएगा कि रामू नहीं नहीं रामू तो आलसी लड़का है, आलसी, ये भी इसकी क्या है, विशेषता है ना, ये उसका विशेषण ही है ना, ठीक है। आपको अगर पूछा जाए राहुल कैसा लड़का है, तो आप कहेंगे वो तो आलसी लड़का है, सुबह उठता ही नहीं है, हमेशा आलसी दिखाई देता है हमें, तो इसलिए आप उसकी विशेषता क्या बताएंगे, आलसी होना। मतलब अलग अलग विशेषताएं होती है, जब हम किसी को कैसा करके सवाल पूछते हैं तो इसका जवाब तो हमें मिलता ही है ना। बिल्ली कैसी होती है, या बिल्ली कैसे बोलती है, कैसी बोलती है, तब आपको उसका जवाब क्या मिलता है, म्याऊं म्याऊं। तो ये इसकी विशेषता है ना, उसकी आवाज़ म्याऊं म्याऊं है, ये इसकी विशेषता होती है। तो उसी प्रकार देखिए, रामू कैसा लड़का है, बहादुर लड़का है। तो कैसा और कितना वाले शब्द मतलब क्या कहा जाता है, कि विशेषण वाले शब्द। तो आपको वाक्य में विशेषण वाले शब्द दिए जाएं और आपको पहचानने के लिए कहा जाए, तो आप पहचान सकते हैं ना, झट से पहचान सकते हैं कि बाहर एक सुंदर लड़की खड़ी है, ऐसा वाक्य है।
तो आप उसकी विशेषता क्या बताएंगे? क्या है उसकी विशेषता? लड़की? नहीं, सुंदर लड़की खड़ी है। कैसी लड़की खड़ी है? आप जब उसे सवाल पूछेंगे कैसी लड़की खड़ी है, सुंदर, तो सुंदर ये क्या है, विशेषण वाला शब्द है ना, उसकी विशेषता है ना सुंदर होना, तो ये विशेषण वाले शब्द। विशेषण वाले शब्द मतलब ही क्या, कैसा और कितने वाले शब्द, ये हमें पहली दूसरी तीसरी दसवीं कक्षा तक आपको विशेषण है इसलिए आप अच्छी तरह से जान लीजिए कैसा और कितना। अगर हम ऐसे सवाल पूछेंगे तो उनके आपको जवाब मिलते हैं, तो उन्हीं को क्या कहा जाता है, विशेषण कहा जाता है। आगे चलकर आपको यही बताया जाता है कि विशेष जानकारी देने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है, कि आपको उस संज्ञा या शब्द के बारे में विशेष जानकारी मिलती है ना। और भी देखिए यहाँ पे, आम कैसा होता है, आम कैसा होता है, आम तो सबको अच्छा लगता है ना, तो ये आम कैसा होता है, मीठा होता है ना, तो मीठा होना ये इसकी विशेषता है ना, आम मीठा होता है। करेला कैसा होता है, कड़वा होता है करेला, तो कड़वा होना ये भी इसकी विशेषता होना। तो देखिए कैसा अगर हम सवाल पूछेंगे तो उनसे आपको जवाब मिलते हैं, इन्हीं को क्या कहा जाता है, विशेषण कहा जाता है। कैसा और कितना ऐसा हम पूछते हैं ना, तब हमें उनके क्या मिल जाते हैं, जवाब मिलते हैं, तो इन्हें को ही क्या कहा जाता है, कैसा और कितने वाले शब्द मतलब विशेषण। ठीक है, अब देखिए कितना वाला शब्द, यहाँ पे मैंने पूछा कैसे वाले शब्द, आप जब कैसा करके सवाल पूछेंगे ना तो वो शब्द मैंने बताया। अब यहाँ पे है कितना, अब देखिए आपकी कितनी आँखें हैं, मैंने सवाल में कौन सा वर्ड्स डाला है, यहाँ पे कितनी डाला है ना, आपकी कितनी आँखें हैं, मेरी तो बाबा चार है, चार है नहीं, कितनी आँखें होती है, दो आँखें होती है ना, तो आप उत्तर क्या देंगे, जवाब क्या देंगे, दो आँखें हैं, तो ये दो आँखें हैं इन्हें भी क्या कहा जाता है, विशेषण वाला शब्द कहा जाता है। बाहर चार तितलियाँ उड़ रही है, बाहर ना बगीचे में ना चार तितलियाँ उड़ रही है, तो इसमें से कितनी तितलियाँ उड़ रही हैं, आपने जवाब क्या दिया, चार तितलियाँ, तो चार ये क्या है, विशेषण है ना। कितना ऐसे सवाल पूछने पर मुझे उसका जवाब मिला ना, बाहर कितनी तितलियाँ उड़ रही हैं, चार तितलियाँ उड़ रही हैं, तो चार ये क्या है, विशेषण शब्द है, इसलिए दो आँखें, आपकी कितनी आँखें हैं, तो दो आँखें मतलब दो, ये विशेषण शब्द है। आपके कितने हाथ हैं, कितने हाथ हैं, तो दो मतलब दो हाथ, यहाँ पर भी देखिए ये क्या है, विशेषण शब्द है ना। यहाँ पर मैंने कौन सा सवाल पूछा, कैसा डाला या कितना डाला शब्द में, यहाँ पे मैंने तो मैंने यहाँ पे कितना शब्द डाला ना, यहाँ पे देखिए कितनी आँखें हैं, कितने हाथ हैं, कितनी तितलियाँ बाहर घूम रही है, आपने कितने लड्डू खाए, कितना कितने बोलने पर आप जवाब देते हैं ना, कि मैंने चार लड्डू खाए, मैंने पांच गुलाब जामुन खाए, मुझे ये अच्छा लगता है। आप जब कितना पूछते हैं तो आप क्या कहते हैं, उसका जवाब देते हैं ना, तो इसी को क्या कहा जाता है, विशेषण कहा जाता है। इसके लिए मैंने यहाँ पे आपको उदाहरण देकर बताया कि विशेषण किसे कहा जाता है, जब कैसा सवाल पूछते हैं, कैसा वाले शब्द और कितने वाले शब्द मिलकर क्या होता है, विशेषण होता है ना, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, तो विशेषण कहते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए बाहर सुंदर लड़की खड़ी है, मैंने आपको कहा कि आपको वाक्य दिए जाएंगे और आपको उसमें से कैसा कितने वाले शब्दों को क्या करना होगा, रेखांकित करना होगा, मतलब अंडरलाइन करनी होगी, तो आप किसे करेंगे, बाहर सुंदर लड़की खड़ी है, तो मैंने यहाँ पे उदाहरण आपको बताया था कि आप सुंदर को क्या करेंगे, रेखांकित करेंगे, यहाँ पे इसे रेखांकित करना कहते हैं। आपको सेंटेंस दिया जाएगा और आपको कहा जाएगा कि आपको क्या करना है, आपको विशेषण वाले शब्द या कैसा कितना यह बताने वाले शब्दों को क्या करना है, रेखांकित करना है। तो ये बन गया। अब देखिए मैंने ठंडी आइसक्रीम खाई, तो आइसक्रीम कैसी है, आप सवाल पूछेंगे ना, ठंडी है ना, तो ठंडी ये क्या है, विशेषण वाला शब्द है। अब देखिए करेला कड़वा होता है, कैसा होता है, कड़वा होता है, कैसा मैंने सवाल पूछा, करेला कैसा होता है, कड़वा होता है, मुझे जवाब मिला ना, तो ये जो कड़वापन होता है ना ये भी क्या आएगा, विशेषण वाला ही शब्द आएगा ना। अब देखिए मीठा, गुलाब जामुन मीठा होता है या मीठे होते हैं,
तो मेरे वाक्य में से विशेषण वाला शब्द कौन सा है? मीठा। तो यहाँ पे देखिए, ये बन गया मेरा मीठा शब्द, ठीक है। इसके बाद देखिए लंबी। अब लंबी, लंबी में आप क्या करेंगे यहाँ पे कि जिराफ की जो गर्दन होती है ना, बहुत लंबी होती है। जिराफ आप सभी को मालूम है ना, तो उसकी जो गर्दन होती है वो बहुत लंबी होती है। तो लंबी होना, कैसी होती है जिराफ की गर्दन? तो आप जवाब देंगे लंबी होती है। तो लंबी होना ये इसकी विशेषता है ना, तो इसलिए लंबी यह क्या कहलाएगा? विशेषण कहलाएगा। छोटी मतलब, इसके बाद अब छोटी, आप क्या कहेंगे अभी? छोटी गर्दन वाला आदमी, सॉरी छोटी। छोटी के लिए आपको उदाहरण क्या देना होगा कि बाहर से, मतलब एक लड़की बहुत छोटी है, हमारी पाठशाला में एक लड़की बहुत छोटी सी है। तो छोटी होना ये भी क्या है? उसकी विशेषता ही है ना, तो ये छोटी शब्द आएगा। इसके बाद देखिए ताज़ी। ताज़ी इसके लिए क्या आएगा? देखिए कि मैं ना बाज़ार गया था, तो मैंने कौन सी सब्ज़ी खरीदी? ताज़ी सब्जियां खरीदी। मैं बाज़ार से ताज़ी सब्जियां खरीद कर आया हूँ। मतलब आप बाज़ार से क्या लेकर आए हैं या कैसे आए हैं? तो तरोताज़ा ताज़ी सब्जियां लेकर आए हैं ना, या सड़ी हुई लेकर आए हैं, ताज़ी ताज़ी सब्जियां लेकर आए हैं। तो ये जो ताज़ी सब्जी है ना, ये इसकी विशेषता कहलाती है। तो बच्चों आपको कैसा और कितना, इसी से पता चल जाता है कि इसमें विशेषण क्या है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? कैसा वाले शब्द या कितने, कैसा कितने वाले शब्द मतलब क्या होता है? विशेषण ही होता है। आपको और मैं भी उदाहरण बताती हूँ कि आकाश में अनेक तारे हैं। कितने तारे हैं? अनेक तारे हैं। तो अनेक जो है वो क्या है? विशेषण वाला शब्द है ना। इसके बाद देखिए मोहन या मोहित अच्छा गाना गा रहा है। तो मोहन कैसा गाना गा रहा है? कैसा शब्द का इस्तेमाल किया मैंने? तो जवाब आपको क्या मिला? अच्छा गाना गा रहा है। इसके बाद आम मीठा कड़वा? मीठा होता है, ठीक है। इसके बाद हाथी मोटा होता है, मोटा तगड़ा होता है। तो हाथी कैसा होता है? तो आपका जवाब क्या आएगा? मोटा तगड़ा होता है ना। तो ये मोटा तगड़ा होना ये क्या होता है? विशेषण होता है। इसके बाद देखिए नए कपड़े। मैं बाजार से नए कपड़े लेकर आया हूँ। कपड़े कैसे हैं? कैसे हैं कपड़े? तो कपड़े बहुत नए हैं। तो नए होना ये भी क्या है? विशेषण वाला ही शब्द है। ये अंगूर जो होते हैं ना, वो खट्टे होते हैं। तो खट्टा होना, इमली कैसे होती है? खट्टी होती है। तो खट्टा ये भी इसकी विशेषता ही है ना। कैसा कितना वाला ही शब्द है ना। अंगूर कैसे होते हैं? तो जवाब आएगा खट्टे होते हैं। मतलब खट्टा होना, नमकीन होना, मीठा होना, कड़वा होना, ये क्या है? विशेषण वाले ही शब्द हैं। तो इन्हें भी क्या कहा जाता है? कैसा कितने वाले शब्द मतलब विशेषण वाले शब्द कहलाते हैं। ओके, तो आपको समझ में ही आया होगा कि कैसा कितना मतलब ही विशेषण है, और ये विशेषण कैसे पहचाना जाता है। तो आपको बच्चों क्या करना है, वर्कबुक में भी इसके आंसर आप लिख सकते हैं। ये वीडियो देखने के बाद आप होमवर्क के लिए इनके आंसर अपने अपने वर्कबुक में अच्छे अच्छे हस्ताक्षर में लिख लीजिए। ये जो वीडियो है वो पहली और दूसरी कक्षा के सभी बच्चों के लिए है, इसलिए आप ध्यानपूर्वक इसे सुनिए, और जो कुछ भी यहाँ पर मैंने ब्लैक बोर्ड पर लिखा है वो भी अपने अपने नोटबुक में अच्छे अच्छे हस्ताक्षरों में लिख लीजिए। इन्हें हम क्या कहते हैं? विशेषण वाले शब्द कहते हैं। कितना सवाल पूछने पर हमें जो आंसर मिलता है, ये भी देखिए यहाँ पे मैंने रेखांकित किए हैं, इन्हें भी विशेषण ही कहलाता है। मतलब कैसा कितने वाले शब्द कहा जाता है। धन्यवाद बच्चों।